गुड मॉर्निंग। तो आज हम सर्कुलर प्लाजो की स्टिचिंग करेंगे। इसकी कटिंग पहले मैंने वीडियो में बना रखी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो सबसे पहले हमने आसन की सिलाई करनी होती है, तो आसन की सिलाई मैंने पहले से कर रखी है। ये दोनों तरफ से हमने आसन को सिल लेना है। अब हमने यहाँ 1 इंच का जोड़ लगाना है, तो अब हम जोड़ को लगाएंगे पोंचे वाली साइड। अब हमने दूसरी साइड भी जोड़ लगाना है। अब ये जो जोड़ लगाया था इस सिलाई को हमने इस तरफ करना है पोंचे वाली साइड और ऊपर सिलाई लगानी है ताकि ये अच्छे से बैठ जाए कपड़ा। दूसरी साइड भी हमने ऐसे ही सिलाई लगानी है। ये जो दबाव वाला कपड़ा था इसको पोंचे वाली साइड करना है हमने और ऊपर सिलाई लगानी है। अब हम बैंड लगाएंगे, तो जहाँ भी ये जॉइंट है आसन का यहाँ से हम बेल्ट लगानी शुरू करेंगे। आधा इंच कपड़ा छोड़कर हमने बेल्ट लगानी है। मैं दोबारा आपको अच्छे से दिखा देती हूँ। ये आधा इंच जो हमने छोड़ा था और इधर से हम बेल्ट की सिलाई करके लाए हैं और ये देखो बराबर ही आया है, बस एक पैर की सिलाई आएगी। अगर ये कपड़ा बड़ा होता है तो आपने इसके कटिंग कर देनी है और आपने देखना है कि कहाँ तक ये सेट आती है बेल्ट, उतना ही रख के आपने बाकी इसकी कपड़े की सिलाई कर देनी है। टांके को हमने डबल करना है। जो प्लाजो का कपड़ा है और ये बेल्ट का है तो बराबर सिलाई आएगी। अब हमने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। ये बेल्ट में मैंने इंटरलॉक कर दिया ज्वाइंट पे, क्योंकि इसके धागे निकल रहे थे तो मैंने यहाँ इंटरलॉक कर दिया। अब हमने इतना ही इसको फोल्ड करना है जितना इलास्टिक है। तो इलास्टिक की जो चौड़ाई है वो 1.25 इंच है। तो इस तरह करके हमने ये जो सिलाई है हमने इसको बेल्ट की तरफ करना है। सिलाई को पहले हमने हल्का सा फोल्ड करना है और फिर इस तरह फोल्ड करके हमने यहाँ सिलाई लगानी है। अब हमने यहाँ 1.5 इंच जगह छोड़नी है, हम इसमें से इलास्टिक डालेंगे और इलास्टिक डालने के बाद इसकी हम सिलाई करेंगे। अब हमने इस तरह की हेयर पिन लेनी है और इलास्टिक को इसके अंदर डालना है। इस तरह बिल्कुल आसान तरीका है, जो सिलाई शुरू से सीख रहे हैं तो उसके लिए इलास्टिक डालने का बिल्कुल आसान तरीका है। तो जहाँ से हमने ये ओपन जगह छोड़ी थी यहीं से हमने इलास्टिक डालना शुरू करना है। ऐसे हमने इसको डालना जैसे हम सलवार में नाला डालते हैं। अब पिन को हमने बाहर निकाल लेना है। हमने इलास्टिक को अच्छे से सेट कर लिया, ये बिल्कुल इस तरह सीधा होना चाहिए, बीच में से मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए। अब ये दोनों इलास्टिक पे हमने सिलाई लगानी है, इन दोनों को हमने सील लेना है। इस पे हमने 4-5 टांके लगाने हैं, अच्छे से पक्का करना है इसको।
अब हमने ये जो जगह छोड़ी थी लास्टिक डालने के लिए, अब हमने इसकी सिलाई करनी है। अब लास्टिक को हमने इस तरह करके अच्छे से सेट करना है ताकि पूरे बेल्ट में लास्टिक है जो वो बराबर चुंटे आए, कहीं कम ज़्यादा ना हो। तो आपने इस तरह खींच के अच्छे से इसको सेट कर लेना है। तो अब यहाँ सेंटर में हम एक टांका लगाएंगे लास्टिक के ऊपर। इस तरह हमने लास्टिक को खींचना है अच्छे से, और पीछे से भी हमने इस तरह खींचते जाना है और सिलाई लगानी है। लास्टिक के ऊपर हमने सिलाई लगा ली। देखो पूरे लास्टिक पे बराबर चुनते हैं, कहीं भी कम ज़्यादा नहीं है। लास्टिक हमारा लग चुका है और ऊपर हमने लास्टिक की सिलाई भी लगा दी है। अब हम सिलाई करेंगे। अब हमने एक पैर से दूसरे पैर तक सिलाई करनी है। अब हमने आसन का भी ख्याल करना है कि आसन की दोनों सिलाई बराबर होनी चाहिए, ये सिलाई आगे पीछे नहीं होनी चाहिए। और ये पोंचे वाली साइड से भी दोनों लेयर बराबर होनी चाहिए, छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए। और पूरी सिलाई को हमने डबल कर लेना है। सर्कल प्लाजो की स्टिचिंग हो चुकी है। ये पोंचे वाली साइड से मैंने पीको कर दिया था। पीको करने से इसकी थोड़ी अलग सी लुक बन जाती है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।